गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं श्रद्धा एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉफी श्रद्धा विपिन। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज साल का पहला दिन है, आप किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं मेरे साथ में जरूर शेयर करना। मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूं मंदिर जाने से, तो अभी हम सब जने मंदिर जा रहे हैं, सब लोग नीचे गए हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर लूँ, उसके बाद में मैं भी जाती हूँ। तो एक बार जाती हूँ मंदिर और उसके बाद में आके मैं क्या क्या करती हूँ आपके साथ में जरूर शेयर करूँगी। सुबह सुबह एक बार मंदिर के दर्शन करके आ जाते हैं तो बहुत ही मन को शांति मिलती है। और आज का दिन तो वैसे भी साल का पहला दिन है, तो बस मंदिर के दर्शन हो गए हैं और अब लग जाऊंगी काम पर। तो काम जो है वो खाने का काम तो मैं करके ही गई थी, लेकिन अभी डस्टिंग करना बाकी है। और वैसे झाड़ू पोछे के लिए तो मैड रखी हुई है, तो मैड आती है 1 बजे तक। तो जब तक हमारा खाना पीना और डस्टिंग का काम कपड़े का काम सारा ही हो जाता है, उसके बाद में ही उसको बुलाती हूँ। तो बस, और आज इनको भी मैंने शॉप से थोड़ा जल्दी ही बुला दिया था, तो ताकि जल्दी ये भी खाना खा ले क्योंकि आगे मुझे जाना है डिमांड। 1 घंटा हो गया है, इतनी देर तक खाना कौन खाता है? मैं। इतनी देर कोई खाना नहीं खाता है? मैं खाती हूं। हां तो अच्छी आदत नहीं है, चेंज योर हैबिट्स। अरे इतना पूरा कटोरी भर के राख दे दिया मम्मी ने, तो खाने में टाइम तो लगेगा ना। अच्छा, तो मैंने, मम्मी जी ने, परिवहन, हम चारों ने खाना खा लिया था और बाऊजी का बाकी था। वैसे बाऊजी हमारे साथ में ही खाना खा लेते हैं, लेकिन आज वो इनके साथ में मंदिर से ही शॉप पे चले गए थे, तो वो अभी इनके साथ ही आए हैं। तो भी बस फटाफट से रोटी बना के उन दोनों को भी सर्व कर दूँगी और उसके बाद में फिर मुझे वापस डीमार्ट भी जाना है, तो जल्दी जल्दी से काम निपटा दूँगी। तो इधर मैं रोटी बना रही हूँ और उधर मम्मी जी जो थोड़े बहुत बर्तन हम लोग ने खाना खाए थे तो वो क्लीन कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ डीमार्ट, और डीमार्ट में इन लोगों को नहीं लेके जा रही हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा जिद करते हैं वहाँ पे ना, सामान देखते हैं, हाँ। पागल से हो जाते हैं, इसके लिए इनको लेके नहीं जा रही हूँ। तो भी फटाफट से जाते हो डीमार्ट, क्योंकि आने के बाद में फिर वापस से जो इवनिंग के काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले जाऊंगी डीमार्ट, फिर बाद में आके आप सबसे मिलती हूँ, ठीक है? मस्ती नहीं करोगे, स्टडी करोगे, ठीक है? ठीक है, चलो। तो इस बार डीमार्ट में काफ़ी नई नई चीज़ें जो है वो देखने मिली थी। ये फ्लावर्स जो है वो पहले कभी भी डीमार्ट में नहीं होते थे, इस बार ही मैंने देखे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। और इसके अलावा डिस्काउंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा था। वैसे तो डीमार्ट में हर चीज़ों पर डिस्काउंट एक्स्ट्रा ही रहता है, नॉर्मल जो बाहर लोकल मार्केट होता है ना उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा था। परी ने इतनी अच्छी इसकी बारबीज की कॉस्ट्यूम बनाई, बता तो एक बार शो कर, ये देखो। और ये कॉस्ट्यूम जो है ना वो इसने कॉस्ट्यूम इसने कपड़े से नहीं बनाई है, वो जो ग्लिटर वाली जो आती है ना वो टेप आती है, हाँ वो उससे इसने बनाई है। और इतनी अच्छी, दिन को मैं गई थी डीमार्ट और पीछे से इसने ये काम किए थे और काफी अच्छी, क्योंकि ना इसके कपड़े ही नहीं थे डॉल के, तो पैर वाले जो कपड़े थे ना वो तो इसने सारे खराब कर दिए परी ने, थे ने, तो इसने ना इस देखो बहुत ही अच्छी कॉस्ट्यूम्स बनाए, एक रेड कलर और एक सिल्वर कलर, तो अच्छा है ना आइडिया, एक बार आप भी ट्राई करके जरूर देखना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो
खाना बनाने की ड्यूटी मम्मी जी की लग गई है, क्योंकि उनका मन था आज खाना मैं बनाऊंगी। आने के बाद में मतलब खाना एक्चुअली मैं ही बना देती हूँ, उनको मौका ही नहीं मिल पाता है, तो वो बोल रहे थे कि नहीं आज खाना मुझे ही बनाना था। मैंने कहा ठीक है चलो, आटा तो मैंने लगा के दे दिया था और सब्जी मैंने बना दी थी, मैंने कहा रोटी आप बना दो और फिर बाकी के बाद में जो काम रहेंगे खाना खाने के बाद में, मतलब जो क्लीनिंग का काम है, बर्तन का काम है, वो सारा काम मैं कर लूँगी। तो शाम का खाना जो है वो सबका हो गया था और बस जल्दी करने के बाद में मैं डीमार्ट से जितना भी सामान लेकर आई थी बस उन्हीं को ही मैं अपनी अपनी जगह पे मैनेज कर रही हूँ। और ये जितने भी डिब्बे वगैरह दिख रहे हैं वो सारे मैंने पहले ही क्लीन करके रख दिए थे। और हाँ, इन डिब्बों को एक बार अरेंज करने के पहले जो फर्नीचर में यदि कोई भी धूल मिट्टी है या कोई भी चीज़ें गिरी हुई है ना, तो उसको क्लीन करके उसके बाद में ही सारा सामान जमाती हूँ। और जब भी ग्रोसरी का सामान जब लेने जाती हूँ ना, तो पहले एक बार चेक कर लेती हूँ कि कौन सा सामान पड़ा है, एक लिस्ट बना देती हूँ। और वैसे एक डायरी हमेशा किचन के अंदर रहती ही है, जो भी सामान ऐसे ख़त्म होता जाता है तो उस डायरी में नोट कर देती हूँ, ताकि जब कभी जाना हो ना तब चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा सामान ना आए बस, क्योंकि चीज़ें जब पड़ी रहती है और हम फिर से लेके आ जाते हैं ना तो चीज़ें फिर फेंकने में जाती है। तो कोशिश यही रहती है कि जो सामान ज़रूरी है उतना ही सामान लेकर आऊँ। और सारा ही सामान रिफ़िल नहीं करती हूँ, जो ज़रूरी है उतना ही सामान जो है पैकेट्स को खाली करके रखती हूँ। बाकी इस तरीके के बड़े बड़े कंटेनर्स मैंने रखे हुए हैं, दो है मेरे पास में, तो उनको सारे पैक्ड सामान को इसी के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि एक बार जब पैकिंग खुल जाती है ना तो चीज़ें बिगड़ने का डर रहता है। तो बस जो सामान मुझे ज़रूरी चाहिए था उन्हीं चीज़ों को मैंने रिफ़िल किया है और बाकी इस तरीके के कंटेनर में भर के रख देती हूँ। परी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हम कैसे बनाता है परी, कैसा फेस बनाती है और बताओ कैसे बनाती है? अच्छा परी खुद ही बताएगी कैसे बनाती है, बताओ। मेरे को खुद मैं उसमें वीडियो शूट कर रही होती तो मुझे नहीं पता होता किस तरह का फेस, लेकिन जब बाद में मैं खुद वीडियोस देखती हूँ ना तो मुझे इसका फेस देख के हंसी आती है। मैं भी परफेक्ट दिखाती हूँ। हाँ परफेक्ट, अभी बताएगी परी कैसे बनाती है, मतलब उसके एक्सप्रेशन। मेरी आदत लग गई है, आदत लग गई है, राम साहब मुझे हमेशा बताती रहती है। अभी रियल में आदत पता है, जब मैं छोटी थी ना जब मैं ऐसा फेस बना देती थी, बोल रहा था मैं क्यूट लगती हूं उसमें। ओ नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। हां दिखती है, हां दिखती है, इतना झूठ, इतना क्यूट। टैबलेट्स आप देख रहे थे, ये है कैल्शियम की टैबलेट्स। एक्चुअली कुछ दिन पहले टेस्ट कराए थे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील होती थी और थकान बहुत जल्दी आ जाती थी, मतलब घर में जो बेसिक काम होते हैं खाली वो भी पूरे नहीं कर पाती थी और बहुत ही ज़्यादा पैर दर्द होना और एकदम लेजीनेस से लगता था पूरा दिन। ऐसा लगता था मतलब थोड़ा बहुत काम करो और बैठ जाओ, ऐसा हर काम को ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ही कर पाती थी, तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील भी होता था, वीकनेस होती थी। तो मैंने सोचा चलो वो टेस्ट भी नहीं करा, और आफ्टर 30 वैसे भी कुछ टेस्ट जो है वो लेडीज़ लोगों को करा ही लेने चाहिए, तो बस वही टेस्ट कराए थे। तो विटामिन B12 जो है वो भी कम आया था, तो वो डॉक्टर ने एक तो कैल्शियम के टैबलेट्स लिखी है और ये दिन में एक बार लेनी है, और इसके अलावा विटामिन डी जो है वो तो काफ़ी कम आया था, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे थोड़े कम ही पसंद है, दूध पीना, छाछ दही खाना ही चाहिए, मतलब बहुत कंपलसरी है लेडीज़ लोग को तो स्पेशली खाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 30 के बाद में अगर जो लोग नहीं खाते पीते हैं ना उनको आफ्टर 30 के बाद ही पता चलता है, तो बस वही चीज़ें मेरे साथ में हो रही है। तो बस अभी ये विटामिन D3 जो है ना उसकी टैबलेट्स डॉक्टर ने लिखी है, और इसके अलावा विटामिन B12 जो है वो भी कम आया था, तो उस वो भी काफ़ी कम था विटामिन B12। हाँ पर डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन्स वगैरह है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, टैबलेट से भी कवर हो जाएगा। तो बस अभी ये टैबलेट लिख के दी है, और वैसे अभी बताऊँ ये आज या कल की बात नहीं है, ये हम जब ट्रिप पे गए थे उसके पहले की बात थी, लेकिन अभी तक मैंने ली नहीं है टैबलेट्स। तो कल ही मतलब ये डांट रहे थे मेरे हस्बैंड कि वो टैबलेट तो नहीं लेना स्टार्ट किया नहीं, कि तब मुझे रियलाइज वहाँ वो टैबलेट ऐसे ही पड़ी हुई, तो आज ये मैंने पाउच निकाली है। अब देखती हूँ आज से नहीं तो कल से, क्योंकि एक टैबलेट जो है वो वीक में एक बार लेनी है, किसी को सिर्फ रात को लेनी है, किसी को खाने के
हाँ खाने के बाद ही लेनी है, खाने के पहले तो कोई सी भी नहीं लेनी है, लेकिन हाँ एक जो टेबलेट है उसको तो वीक में एक ही बार लेनी है ऐसा, तो वह देखना पड़ेगा मुझे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उस हिसाब से फिर टेबलेट लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना।